नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन ही एक हथियार है और इस हथियार को लेकर देश में कुछ दिनों से केंद्र और राज्य सरकारों में जंग छिड़ी थी, जिसका अंत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वो बड़ा ऐलान कर दिया जो समय के लिहाज से जरूरी भी था। टीके के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, टीके पर केंद्र की होगी केंद्रीय भूमिका, टीके पर राज्यों की माथापच्ची खत्म, विपक्ष की वैक्सीन राजनीति खल्लास। लंबे अरसे बाद पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष की राजनीति को खल्लास कर दिया है। हालांकि मोदी ने किसी भी विपक्षी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि जिम्मेदारी उठाने का दंभ भरने और उसे पूरा करने में फर्क होता है। जो राज्य लॉकडाउन लगाने के फैसले से लेकर वैक्सीन खरीद तक में स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं इसे पूरा करने में असमर्थ साबित हुए हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक जो तमाम विपक्षी दल वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे, वैक्सीनेशन की पर भी सवाल उठाने लगे थे। हालांकि मुफ्त वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद विपक्षी दलों के सुर भी बदलने लगे हैं और इसी सूची में पहला नाम जुड़ा है अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जो पहले बोल रहे थे कि हमें केंद्र के टीके पर भरोसा नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि हम केंद्र के टीके का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टीका लगवाने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति पर ब्रेक लगाते हुए वैक्सीन नीति फिर से बदलकर पहले जैसी कर दी है। इसमें अब फिर से वही होगा कि वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र ही करेगा और राज्यों का काम सिर्फ टीकाकरण होगा। राज्यों को अब वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। सोमवार को ये निर्णय लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 हफ्ते में लागू की जाएगी। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बहरहाल केंद्र सरकार का वैक्सीन नीति पर ये वो यू टर्न है जो इस वक्त बहुत जरूरी था और सरकार के लिए मजबूरी भी थी, क्योंकि वैक्सीन की खरीद पर राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं। इसमें कई तकनीकी अड़चने भी थीं, जिसका एक ही उपाय था कि वैक्सीन केंद्र ही खरीदे और इसे राज्यों को बांटे। न्यूज वन इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट। तो वैक्सीन पॉलिटिक्स को लेकर पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है और सेंटर पर बहुत ज्यादा विपक्षी दल हमलावर थे। प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कोशिश यही की थी कि इस वैक्सीन पॉलिटिक्स को खत्म किया जाए। किसी दल का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने कई सारी बातें कह दी थी। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में अब कम से कम वैक्सीन पॉलिटिक्स नहीं होगी और वैक्सीन को लेकर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उस पर अब परमानेंट दांड लग गया है। नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल अंशु अवस्थी जी, क्या प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ये माना जा सकता है कि वैक्सीन को लेकर अब नो इफ नो बट, कोई इस तरीके की विवादास्पद बात कोई सियासतदान नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा? मुझे लगता है कि जो लोग भी वैक्सीन पर भ्रम की स्थिति बना रहे थे वो गलत थे, कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो, जो कहते थे गोबर लगाने से वैक्सीन सही हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, कोरोना ठीक होगा, या हवन होने से होगा, या गोमूत्र पीने से होगा, ये उनके लिए अपने निजी तौर पे होगा, लेकिन ये जरूर था वो भ्रम फैला रहे थे। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी शुरू से अभी तक
इस बात को कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिले, केंद्र सरकार परचेजिंग करे और राज्य सरकारें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब वैक्सीनेशन कराए। उस बात को केंद्र सरकार ने माना है, हम उनका उस निर्णय का स्वागत करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो लगातार कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि चूंकि भारत बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, सरकार को उसी बड़ी सोच के साथ वैक्सीनेशन शीघ्रता से कैसे लोगों को मिले, वैक्सीन की आपूर्ति सुलभ हो, इसको लेकर इंतजाम करने चाहिए। केंद्र सरकार इसके इंतजाम में काफी पीछे। आप याद करिए, जब पहला कोरोना समाप्त हुई, पहली वेव, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को कहा कि अब कोरोना समाप्त हो गया, जबकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बात को कह रहे थे कि दूसरी वेव आ सकती है। अब उसको लेकर जब पूरे विश्व में वैक्सीन कंपनियां दूसरे देशों से टाई अप कर रही थी, दूसरे देश अपने लोगों की जान माल के लिए वैक्सीन बुक कर रहे थे, उस समय भारत की सरकार चुनाव लड़ रही थी। आज इसी वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन जो दर है वो काफी धीमी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कैपेसिटी एक्सटेंशन को लेकर भारत सरकार को एप्लीकेशन दिया लाइसेंस के लिए। एक अलग, सर अंशु जी, ये एक अलग इशू है। नेहा, क्या प्रधानमंत्री के, मेरा एक और आपसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सभी से अनुरोध करती है कि वैक्सीन लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा शीघ्रता से सभी वैक्सीन लगवाएं। ठीक है सर, वैक्सीन लगवाएं। नेहा, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब वैक्सीन पॉलिटिक्स पर परमानेंटली द एंड हो गया, अब कोई सियासत नहीं होगी? देखिए, हमने तो प्रधानमंत्री जी ने जो कल ये कदम उठाया है कि केंद्र सरकार एक व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेट करेगी, वैक्सीन लगाएगी, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, क्योंकि वो हिंदुस्तानी इससे लगेगी। केंद्र ने जिम्मेदारी उठाई बड़ी खुशी, और राज्य सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकारें फिर भी ब्लेम कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 25% प्राइवेट को क्यों रखा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन नहीं लग रही तब भी इनको ऑब्जेक्शन है, वैक्सीन लगती है तब भी इनको ऑब्जेक्शन है, वैक्सीन कम है तो ऑब्जेक्शन समझ आता है, वैक्सीन ज्यादा आती है तो ऑब्जेक्शन हो जाता है, वैक्सीन केंद्र को नहीं करता तो ऑब्जेक्शन समझ आती है, वैक्सीन केंद्र कर रहा है तो ऑब्जेक्शन, ये कहीं से भी ना हजम होती है ना समझ आती है। कि इन लोगों को हमेशा ही राजनीति करनी है, हमेशा ये दिखाना है कि जैसे कि केंद्र गलत, आपका 25% सिर्फ हिस्सेदारी थी वैक्सीनेशन करने की, सभी राज्य सरकारों की, चाहे भाजपा शासित हो चाहे भाजपा शासित राज्य ना हो, उसको भी केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये नाकामयाब हो रहे थे या बार बार कह रहे थे हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही, जो भी रीजन थे, इन बातों का मंथन करके, क्योंकि हर चीज का हमेशा प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं कि कोई अपना सुझाव दे, तो सुझाव का मतलब ये होता है, जब बार बार पीएम ने सभी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करी तो उसका मतलब होता है कि आपका सुझाव ले रहे हैं, और जो सुझाव अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी उसको फॉलो करने में, कि विपक्ष के द्वारा है या पक्ष के द्वारा है, पक्षपात नहीं करते। लेकिन इस चीज का स्वागत करने की बजाय विपक्ष पार्टी बार बार कह रहा है कि अच्छा हमारे को पहले क्यों नहीं किया, पहले वैक्सीन क्यों नहीं करी, पहले आप कहते थे हमको तो हम करवा लेंगे 18 से 44, जब दी तो कार नहीं केंद्र को करनी चाहिए। तो ये लोग खुद कंफ्यूज है, विपक्ष की सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, सब कंफ्यूज है। मतलब वो स्टेटमेंट ऐसी देती है ना में भी हाँ में भी, ताकि हमें फंसना कल को पड़े तो हम गए हमने तो ना भी किया था, फिर गए अगर फंस गए तो गए हमने तो हाँ भी किया था। ये वाली राजनीति जो है ना, ये बहुत गंदी है। आज जो हर नागरिक है देश का, वो स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री जी के इन फैसले को और बहुत खुश है। अभी मैं 2-3 स्लम एरियाज में होके आई हूँ, लोग इस फैसले से इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं शुक्र है कि अब केंद्र के हाथ में आया है तो हमें वैक्सीन हो जाएगी, क्योंकि 60 साल के तकरीबन सभी लोगों को 60 वर्ष से ऊपर के वैक्सीनेट हो चुके हैं, मतलब तो 2 डोज लग चुकी है। अब जो 45 वाले हैं उनको भी राहत मिली है, और 18 वर्ष के तो बहुत ही खुश है कि आज केंद्र ने अपने हाथ में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ में लिया, तो हमको वैक्सीन लग जाएगी। ठीक है नेहा। मनोज यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मनोज जी, सर स्वागत है आपका। वैक्सीन को लेकर जो स्थिति बनी उसमें अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा कमेंट था जो काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने उसका विरोध भी किया। आज अखिलेश यादव ने उसका बचाव किया, जब मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम में जाकर वैक्सीन का पहला डोज लिया,
तो आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव ने आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और अखिलेश का वो जो बयान था 6 महीने पुराना वो काफी प्री मेच्योर था? देखिए, कहने को तो धर्मराज जी विपक्ष सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कह सकते, लेकिन अगर वैज्ञानिकता के आधार पे और जिसे कहते ना एक पढ़ा लिखा समाज, हर बात का अवलोकन करने वाला समाज के नजरिए से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष ने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन अगर एक आदमी आगे चल रहा उसके पीछे भेड़ चाल की तरह समाज चलता जाए, उस नजरिए से तो निश्चित तौर पर राष्ट्राध्यक्ष जी के बयान को गलत ठहराया जाए। हमने गलत क्या कहा? क्या दो चरण से ज्यादा कोवैक्सीन हिंदुस्तान की वैक्सीन है उसका अब तक ट्रायल हुआ है? क्या WHO के द्वारा उसको अब तक मान्यता प्राप्त है? आपकी जानकारी के लिए शायद आपको पता ही हो, बनिहाल जी को भी पता हो, वो वैक्सीन लगा व्यक्ति विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि WHO ने अभी तक उसको मान्यता ही नहीं दी है। तो अगर किसी बात पे सवाल उठाना जुर्म है, मनोज यादव जी उन्होंने बीजेपी का वैक्सीन कहा था कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, इसमें भी जवाब दूंगा, इसमें भी जवाब, इसमें भी जवाब, मैं अनुरोध करूंगा बीच में कोई ना बोले, ज्यादा ज्ञान वाले लोग अपना ज्ञान अपने टर्म पे चले। ठीक है कुल मैं एक बात कहता हूँ, एक मूवी आई थी राजा बाबू गोविंदा की, उसी से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी हर रोल में चले जाते हैं। देश का सैनिक हमला करता है पाकिस्तान पे, मेजर जनरल सैनिक श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए, कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जाता है श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए। सर एक मिनट, मनोज यादव जी एक मिनट सर, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा होता है उसको क्रेडिट जाता है। आपके आपके जो संरक्षक है मुलायम सिंह यादव, वो देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक फैसला लिया था, उसका श्रेय आज तक मुलायम सिंह यादव को मिलता है क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको भी जानकारी होगी कि मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूँ, तो श्रेय तो मिलता है सर, अगर अच्छा हुआ तो तब। इस बात से मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हर व्यक्ति को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जो काम किया उसको भी तो श्रेय मिलना चाहिए ना, कि वो अंधेरे में चला जाए, उन्हें अंधेरे में जाना चाहिए। हमने इस बात को इसलिए कहा। नेहा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बात सुन ले, इसके बाद जवाब दीजिएगा, मेरा टर्न खत्म हो जाने दीजिए। मैं यही बात कहता हूँ, जो मुद्दे हैं, जो जायज मुद्दे हैं, उस पे सवाल उठना चाहिए। बहुत सारा ट्रोल हो रहा है कि अखिलेश यादव जी माफी मांगे, तो हम उसके लिए जवाब दिए दे रहे हैं। सिर्फ एक लाइन कहूंगा जी, जो हमारे देश में 2 महीने में घटनाएं घटित हुई हैं, वो ऑक्सीजन हो, वो कफन से राम नामी चादर घसीटने की घटना हो, गंगा में तैरती लाशें हो, और अब तक जो श्वेत पत्र के द्वारा मरने वालों का आंकड़ा नहीं जो बताया गया है, उस सारी चीजों पे अगर बीजेपी के लोग माफी मांगेंगे तो निश्चित तौर पे अगर हमारी कोई गलती होगी, हम तो संवैधानिक ढंग से चलने वाले लोग हैं, अगर हमने कुछ गलत कहा तो हमारे खिलाफ हमारे पे मुकदमा लगवा दो। चुनावों में बहके राजनीति नहीं होती है, मतों पे सत्ता पे राजनीति की जाती है। नहीं, ठीक है सर, आपकी बात है। हाँ नेहा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए जी। मनोज जी ने कहा कि अच्छाई पे क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आप लोग तो कोरोना की वैक्सीन पूरे देश को लगा रहे, प्रधानमंत्री केंद्र ने ये बेड़ा उठाया है उसकी तारीफ नहीं कर रहे, फिर केंद्र ने यही नहीं कहा, केंद्र ने ये कहा 6 महीने तक का राशन जो है वो हर राज्य में हर गरीब को, जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं उन गरीब जनता तक 6 महीने तक राशन जाए, इसका क्रेडिट भी आप नहीं देंगे। आपसे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आप झूठी अफवाहें बस ना फैलाएं। ये कि लोग जो हैं वैक्सीन लगाने से, ये जो है ये भाजपा की वैक्सीन है, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि मेरी वैक्सीन नहीं है भाई, ये हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, उनको क्रेडिट दो। बयान है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी वैक्सीन है या ये भाजपा की वैक्सीन है या केंद्र सरकार की वैक्सीन है, तो गुमराह करने से पहले चाहे वो सब ठीक है ना, मेरे चैनल पे बैठ के ये उनके लिए एक अच्छी नसीहत है और पे उन्हें अपनाना चाहिए सर। ठीक है अंशु अवस्थी, ठीक है नया, ठीक है मनोज यादव अब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत देर से शांत है वो। अंशु अवस्थी जी, सर आपने दोनों का सुन लिया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपके इन दोनों के कमेंट पर आपका क्या रिएक्शन होगा?
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वैक्सीन को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस पर अगर राजनीति हो रही तो उसका कारण सीधा स्पष्ट तौर से साफ है। भाजपा सरकार केंद्र की जो वैक्सीन है उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, ये सभी को पता है। संडे को जो बुकिंग होती कोविन ऐप पे, वो 10 मिनट में उसके स्लॉट भर जाते हैं। तो इसको लेकर इनके पास कोई ग्रास रूट नहीं है, जबकि श्री राहुल गांधी जी ने 20 जुलाई 2020 को ये बात कही थी पिछले साल कि वैक्सीनेशन के लिए आप एक रूट मैप बना लें, लेकिन सरकार ने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो शायद जो भी लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, मेरी बात तो सरा जाने दीजिए, मेरी बात सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दीजिए। चाहे वो लाला रामदेव हो या कोई भी राजनेता हो, जो भी भ्रम फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं, जिससे पब्लिक में डिमांड कम रहे, लोगों का रुझान, लोगों की रुचि वैक्सीन को लेकर कम बनी रहे। और भाजपा चाहती भी यही है, अगर ऐसा ना होता तो जो लोग भी भ्रम फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होती, चाहे वो लाला रामदेव होते या कोई दूसरा होता या भाजपा के नेता होते या दूसरी पार्टी के नेता होते, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब यही है। नहीं, अंशु अवस्थी जी, मुझे बताइए, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है क्या, और एक प्रोडक्शन जनवरी के बाद से वैक्सीन इजाद हुई, एक रफ्तार से वो चल रही है, प्रोडक्शन भी सीमित है, ये कैसे मान ले कि ओवरनाइट महीने दो महीने में या चार महीने में ये वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान को हो जाए? जी, मैं एक मिनट, इस बात को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि हम 30 दिसंबर तक पूरे देश का वैक्सीनेशन कर देंगे, लेकिन इसका कोई उन्होंने रोड मैप नहीं बताया कि कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे देश की दो कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनका प्रोडक्शन लिमिटेड है। सीधे दिखता है 8.5 करोड़ जो वैक्सीन हमारी एक्सपोर्ट हो गई दूसरे देशों को, जब दूसरे देश वैक्सीन, ठीक है। अंशु अवस्थी जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उस पर केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनका जवाब ट्वीट के जरिए ही आया है। केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अखिलेश यादव जी, आपने देश के वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की तपस्या का अपमान किया, प्रदेश में वैक्सीन लगाने में लगे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ घटित घटना में भी दोषी हैं, वैक्सीन लगवाएं स्वागत है, परंतु जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक अपमान और हमलों के लिए दोषी हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का जवाब है अखिलेश यादव के ट्वीट पर। ठीक है, अंशु अवस्थी, यहां कंप्लीट कर लीजिए सर, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं यही कह रहा था कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात को लेकर सरकार को आगाह कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि आप शीघ्र से शीघ्र लोगों का वैक्सीन कराइए, वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीनेशन ही इसका बचाव। जो लोग भी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता या लाला रामदेव हो या दूसरी पार्टियों के लोग, वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार वैक्सीन को टाइम से आपूर्ति नहीं कर पाई, ये सभी को पता है। दूसरा, 8.5 करोड़ डोज एक्सपोर्ट हो गए दूसरे देशों को, क्यों? भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जब बना के रखा और सरकार ने उनको नहीं लिया तो मजबूरन उनको एक्सपोर्ट करना पड़ा। तो ये दिखता है कि बीजेपी उसको लेकर गंभीर नहीं है, हालांकि अभी इन्होंने मुफ्त जो वैक्सीन को लेकर बात कही है, लेकिन इस पर जरूर बात होनी चाहिए कि आखिर हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले। ठीक है नेहा, दूसरी कंपनियां, कुछ नहीं बोलूंगा नेहा, ठीक है नेहा, नेहा प्लीज रिस्पॉन्ड, उसका प्रोडक्शन कैसे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है अवस्थी जी, ठीक है जी। वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि 60 साल तक इन लोगों ने राज किया है, कांग्रेस ने 60 साल में हैजा और चेचक जैसी बीमारी कब तक इन्होंने दूर की है, पर पोलियो ड्रॉप, एक करके और नेहा जी आप समझ लीजिए, ये उन्हीं आईसीएमआर के वैज्ञानिक सर, एक करके सर, अवस्थी जी एक करके, नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने तो यही चुप नहीं, 60 सालों 70 सालों का भाषण मत दिया करिए, क्योंकि ये जनता का हमारे वहां पहुंचने नहीं देना रोशनी फरमा दीजिए,
नहीं होगा इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने 60 साल में आज तक भी हैजा और जो चेचक है उस पर कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। अब मैं बताती हूँ, ये एक साल जनवरी में कोरोना जो है पिछले साल आया, जनवरी में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन भी नहीं 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 कोई भाषण नहीं दे रहा सर, जवाब दे रहे हैं अंशु जी, ऐसी बात किसी पे मत कमेंट कीजिए, वो भी बोल रही है, जवाब दे रही है, आपने बोला उन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं ये भाषण इसमें नहीं लिखा, इसमें भाषणबाजी जैसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, वो पक्ष रख रहे। अरे सर आप बात बात पे लाला रामदेव कह रहे हैं, सर आप बात बात पे लाला रामदेव कह रहे हैं, आपने भी बोला ना बात बात पे लाला रामदेव के मौसा है, आपने नहीं आपने के मौसा है लाला रामदेव, नहीं आप ये ऑब्जेक्शनेबल कमेंट कर रहे हैं सर, ये क्या बात है, ये कौन से लैंग्वेज बात करने का अंशु अवस्थी, नहीं ये कौन सा, ये कौन सी भाषा है बोलने की, नहीं ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फिर वो काउंटर करेंगे, फिर सर शब्दों की आप शब्दों की मर्यादा रखिए, 60 साल इनको करने का क्या अधिकार है, अरे सर वो नहीं 60 साल आपने अभी क्या बोला, वो उनके आप रिश्तेदारी पर नहीं, आप रिश्तेदारी पर क्यों आ गए, अरे सर इट्स वेरी ऑब्जेक्शनेबल जो आपने बोला, ये क्या बात कर रहे हैं ये सर, ये आपकी एक मिनट अंशु अवस्थी आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, आप महिला को बोल रहे हैं आपकी मौसा है आपके चाचा है, ये क्या तरीका है बात करने का, शर्म ही नहीं है ना, शर्म होती तो बात ही क्या थी, इट्स वेरी ऑब्जेक्शनेबल, नहीं सर ये गलत है, ये नहीं 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 इस नहीं सर, लाला रामदेव इस जो भी बिजनेस करता है, आपने लाला रामदेव कहा चले ठीक है, लेकिन आपने उनसे एक रिश्ता जोड़ दिया, ये क्या मतलब हुआ, लाला रामदेव को लेकर इनको इतनी नाराजगी, अरे सर लाला आप एक मिनट सर एक मिनट, आप राहुल बजाज को लाला बोलिएगा, वो भी तो धंधा करते हैं, आप बोलिएगा राहुल बजाज को, नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका झुकाव कहीं दूसरी तरफ है, क्या बात करते हैं सर, हर सियासतदान किसी ना किसी, मैंने नहीं नहीं सर वो वर्ड आपका गलत था अंशु अवस्थी जी, वो शब्द आपके गलत थे, एक नया चलिए ठीक है, इसको इसको खत्म करते हैं, इसको नहीं साल की बात करने का, अरे ठीक है वो सर बोलेंगे, 60 साल लगातार हर 5 साल पे जनता ने चुनाव किया, हां चुना जनादेश दिया, ये जब 60 साल बोले तो आप बोले ना कि आपने 7 साल में क्या किया, चलिए अनुराग भदौरिया ने कुछ कहा है, अनुराग भदौरिया ने कुछ कहा है वो सुनवाते हैं, ठीक है अंशु अवस्थी जी, नहीं आप भी चुप, अनुराग भदौरिया ने कुछ कहा है अखिलेश यादव पर जो हमले हो रहे हैं उस पर, पहले वो सुनवाता हूं आपको, का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए, कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है, भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो, ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, आज हमारी मांग को सरकार ने मांगा माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं, हम फ्री में टीके की मांग थी, मनोज यादव साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिए कि बड़ी अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य का भी आया कि माफी मांगना चाहिए अखिलेश यादव को, देखिए धर्मराज जी मैं लगातार इस बात को कल परसों से कहता चला आ रहा हूं जी, कि अगर कोई ऑब्जेक्शनल बात है या कोई इस तरह का पहलू समाजवादी पार्टी ने रखा जिससे कि स्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, एक बात अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है जनता को, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी की मांग नहीं समझ में आ रही, तो सरकार जो स्टेप उठाना चाहे वो उठा सकती है, उसका जवाब हम कोर्ट को देंगे, क्योंकि कल मोदी जी का जो प्रकट हुए थे वो हुए थे ही अदालत के आदेशों पे, क्योंकि अदालत ने पूछ लिया था कि 35,000 करोड़ रुपए कहाँ है जो जनता की टीका के लिए आपने अलॉट किया था, टीके कहाँ है, और 1700-1800 में टीका लगना शुरू हो गया था, ब्लैकमेलिंग के जरिए टीका लग रहा था, ब्लैक हो रहे थे सारी चीजें, तो उन सब पे जो सवाल है उन ध्यान भटकाने के लिए आप हमसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा शायद पत्र देश में मौतों का ले आओ, हम माफी मांगने को तैयार हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई हम 100 बार माफी मांगेंगे, लेकिन ये देश बताए कि पिछले 60 दिनों में इस देश में कितनी मौतें होंगी। लेकिन मनोज यादव जी मैं पर्सनल नोट पे समझना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अखिलेश यादव यूथ है, युवा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय परिदृश्य के नेता हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, यूपी का जो भी सीएम होता है या एक्स सीएम होता है उसका राष्ट्रीय स्तर पर कद क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश ने जब वो बयान दिया था
उसको लेकर यूथ में भी एक बड़ी थोड़ी नाराजगी गुस्सा थी कि उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अखिलेश इस तरीके की बात करेंगे। अखिलेश का इंटेंशन सही हो सकता है लेकिन अखिलेश जी ने जो बात कही थी उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा गलत हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमति रखता हूं आपकी कि जो नजरिया उनका कहने का था उस नजरिए को दूसरे नजरिया में ट्रोल आर्मी ने बदल दिया। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं भाई, ट्रोल आर्मी जो मर्जी वो कर दे, औरत को आदमी बना दे, आदमी को औरत बना दे, मोदी जी को भगवान बना दे, भगवान को छोटा सा मोदी जी की उंगली पकड़ने चलने वाला बच्चा बना दे राम मंदिर में प्रवेश करते हुए, तो ट्रोल आर्मी का कोई इलाज नहीं इस देश में। इसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं कि वो जो कर सकते हैं वो करें। आज ही का आंकड़ा आया है पेपर का, 26,000 बच्चे ऐसे हैं देश में जो अब तक की गणना हुई है जिनके जो अनाथ हो गए हैं, उनमें से माँ बाप का या तो कोई माँ है या बाप है, और हजारों की संख्या ऐसी है जिसमें माँ बाप दोनों नहीं है। सरकार क्या करेगी, सिर्फ योजना बना देगी, जमीन पे क्या उतरा, 35,000 करोड़ की तरह की हमने टीके का लाभ कर दिया, टीका बन रहा है मतलब, और देश के पास टीका तक नहीं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कोर्ट का जब डंडा चला, कोर्ट ने जब कहा, लगा कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, तो ये चीजें हुई जो आप कल का अनाउंसमेंट। एक लाइन और कह दूं आपको, एक लाइन सिर्फ जी, एक लाइन, हम अवैज्ञानिक लोग नहीं है, हमने टीके का समर्थन किया, लगाने की बात की और जनता को फ्री लगाने की बात की, लेकिन सुनिए, गौमूत्र का अर्घ पीने वाली पार्टी नहीं है, हम गोबर का लेप करके 24 घंटे बैठने वाली पार्टी नहीं है, हम भाभी पापड़ वाली पार्टी नहीं है, मनोज यादव जी गाली और गाली वाली पार्टी नहीं है। मनोज यादव जी आपके तो आराध्य हैं, उनका समझ रहे ना, उस दिशा में हम नहीं जाना चाहते हैं। हाँ वो समझ रहे हैं, लेकिन उसका काम जो है वो खेतों तक काम है, गाय गोबर का। चलिए ठीक है सर, नेहा प्लीज, कोरोना की बीमारी में नहीं है, बिल्कुल कोरोना गोबर का काम, बिल्कुल इसमें सहमति हूँ कि उसका कोई एक जो रूटर्स ने एक वीडियो सर्कुलेट किया था वर्ल्ड वाइड जिसमें गोबर लेप के बड़ी जगह घसाई हुई थी, मैंने पर्सनल नोट पे भी उसमें बहुत बड़ा ये किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश का नाम खराब होता है। नेहा जल्दी 30 सेकंड। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बात बताइए, WHO उत्तर प्रदेश में तारीफ कर रहे हैं योगी सीएम के जो टीकाकरण अभियान को, तो हमेशा झूठ में रहने वाली राजनीति जो है, पहले ये वैज्ञानिकों को हमने बोला, हमने आके स्टेटमेंट दी थी, कहीं भी देख सकते हैं कि ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है भाई साहब। चलिए चलिए नेहा, वक्त खत्म हो गया, नेहा वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंशु अवस्थी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज यादव जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में कम से कम वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दल और राजनेता कुछ ऐसी बात ना कहें, कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आम लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कोई असमंजस की स्थिति बने, एक गलत मैसेज जाए, क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना से बचाव का इस वक्त जो सबसे बड़ा उपाय है वो वैक्सीन है। तो फिलहाल आज के चर्चा में बस इतना ही।